नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बहुत ही सरल तरीके से यानी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको मेल कैसे बनानी है दोस्तों, ईमेल आईडी कैसे आपको बनानी है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने नया फ़ोन लिया है दोस्तों, कोई सा भी फ़ोन हो दोस्तों, तो उस फ़ोन पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है दोस्तों जीमेल। दोस्तों ये एप्लीकेशन आप ढूंढ लीजिएगा आपके फ़ोन पे, अगर आपके पास फ़ोन पे जीमेल अकाउंट नहीं है, अगर जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को फुल कंप्लीट देख लीजिए दोस्तों। मैं आपको आसानी से एकदम बिल्कुल से समझाऊंगा दोस्तों कि कैसे जीमेल अकाउंट बनाते हैं, और बहुत भी सारा कुछ इस वीडियो में जीमेल अकाउंट के बारे में भी दोस्तों बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये हर एक फ़ोन पर अवेलेबल होता है जीमेल के नाम से, तो इसको ढूंढिए। ढूंढने के बाद इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों। अगर दोस्तों आपने अभी तक जीमेल अकाउंट अपने फ़ोन पर नहीं बनाया है तो दोस्तों इस प्रकार का ऑप्शन आपके फ़ोन पर नहीं आएगा। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपसे जीमेल अकाउंट मांगेगा, या फिर एक क्रिएट न्यू अकाउंट का नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करके एक जीमेल आईडी बनाना है दोस्तों। तो वो ऑप्शन कहाँ है, कैसा आ रहा होगा, कैसा नहीं आता, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सिंपल से मैं यहाँ पर एक जीमेल आईडी बना रखी है, तो मैं जीमेल आईडी भी क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरी कई सारी जीमेल आईडी हैं, तो इनको मैं हाइड कर दूँगा दोस्तों कि आपको दिखे ना दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपके सामने एक ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं ऐड अनदर अकाउंट करके क्लिक बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपके पास एक दूसरी बनाना चाहते हैं तो ये करिएगा वास्तव, अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों गूगल पे आपको क्लिक करना है, फिर मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूं दोस्तों। तो अगर आपने नया फ़ोन लिया है दोस्तों तो इस प्रकार का कुछ ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सिंपली से अपने फ़ोन पर लॉक लगा रखा है, मेरे अनुमति के बिना कोई भी मेरे फ़ोन को छेड़खानी नहीं कर सकता, इस वजह से मुझे अपना लॉक डालना पड़ेगा दोस्तों। मैं अपना लॉक डाल देता हूँ, डालने के बाद दोस्तों आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है ना। और आगे बढ़ने के बाद जैसे आप दोस्तों नया फ़ोन लेते हैं, नया फ़ोन लेने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा दोस्तों, जीमेल अकाउंट बनाने के लिए इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि दोस्तों जीमेल अकाउंट कैसे बनानी है, तो बिल्कुल बारी बारी से देखिए दोस्तों, मैं आपको आसानी से बता दूंगा कि आपको जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल से आपको दोस्तों यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर जीमेल अकाउंट है तो यहाँ से डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं जीमेल पर, अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन आ रहा है फॉर माई सेल पर क्लिक कर देना है। जैसे फॉर माई सेल पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप किसी के नाम से बना देता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं दोस्तों बना देता हूँ राम के नाम से, ठीक है ना। तो राम लिख दूंगा, राम के बाद फिर नीचे लिख दूंगा मैं, सॉरी दोस्तों मैं यहाँ पर श्री राम के नाम से बनाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एस एच आर डबल ई श्री, यहाँ पर राम लिख दूंगा श्री राम, ठीक है ना। यहाँ पर श्री राम के नाम से बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी एज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेनी है दोस्तों। अगर दोस्तों फ्यूचर में आपको दिक्कत ना पड़े तो दोस्तों ऐसी एज सेलेक्ट कीजिए दोस्तों जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ याद हो दोस्तों। तो सिंपल से दोस्तों मैं यहाँ पर अपने हिसाब से एज सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। एज सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों करना क्या है दोस्तों। यहां पर मैं अपने हिसाब से एज सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद फ्यूचर में अगर दोस्तों आप ईमेल आईडी भूल जाते हैं तो ये आपको डेट ऑफ बर्थ आपके काम आती है दोस्तों। अगर आप मेल हैं तो मेल पर कर दीजिए, अगर फीमेल हैं तो फीमेल पर कर दीजिए दोस्तों। तो मैं मेल हूँ दोस्तों, मेल पर कर दूँगा। मेल पर करने के बाद फिर आगे बढ़ जाऊँगा। अब आगे बढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको, मेन बात यहाँ पर आती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए राम, सॉरी राम मत लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए श्री राम, ठीक है ना। तो एस एच आर डबल ई, यहाँ पर पहला अक्षर स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटल होगा दोस्तों तो नहीं लेगा, ठीक है ना, इस वजह से स्मॉल होना चाहिए। फिर यहाँ पर श्री राम लिखने के बाद दोस्तों एकदम सटा हुआ लिखना चाहिए श्री राम, ठीक है। लिखने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर आपको दो चार अंक ऐसे लिख देने हैं जिससे आपको याद हो, ठीक है ना। तो मैं दो चार अंक लिख देता हूँ। इस प्रकार से लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर आगे की ओर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बाकी इतना ही लिखना है दोस्तों, अगर होगा तो ले लेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लेगा दोस्तों। यहाँ पर ले लिया है, और लेने के बाद दोस्तों फिर आपको कन्फर्म एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है दोस्तों। पासपोर्ट क्या रखना है वो दोस्तों अपने हिसाब से रख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि दोस्तों आप अपना पासपोर्ट अपने मोबाइल नंबर रख लीजिए ताकि आप अपना भूल ना पाएं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैं फटाफट पासपोर्ट दे देता हूं, पासपोर्ट मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पासपोर्ट सेलेक्ट कर दिया, और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, और इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पर आई एम इन, तो दोस्तों इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो उसको आप रिक्वेस्ट कर लेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मेल देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सामने जो मेल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, यानी तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक बिल्कुल न्यू मेल आईडी तैयार हो चुकी है बनकर दोस्तों। यहाँ पर हमारे फ़ोन पे वो मेल
मेल आईडी ऐड भी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है और वो मेल आईडी हमारे सामने ऐड हो चुकी है दोस्तों। तो हाई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट प्रोफाइल के साथ, सॉरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।